हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं रीऑर्डर लेवल टैली प्राइम में कब और किस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसका क्या मतलब है, ठीक है, क्यों किया जाता है। चलिए हम लोग एक एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और जानते हैं। देखिए, जो हमारा री ऑर्डर लेवल है, इसका इस्तेमाल कब करते हैं और किस कंडीशन में करते हैं, यह समझने की कोशिश करना। इसका इस्तेमाल ज्यादातर हम उस कंडीशन में करते हैं जब हम लोग सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर वाउचरों का प्रयोग करते हैं। और वहां पे हमें यह चेक करना हो, जैसे सपोज मान लीजिए मेरा कोई फर्म है और मेरे फर्म में सपोज कीबोर्ड जो है वो 10 पीस है। जो कीबोर्ड है कितना पीस है? 10 पीस। तो अगर हमने ये 10 पीस जो कीबोर्ड मेरे पास है, सपोज मान लीजिए कोई सेल ऑर्डर कर रहा है, हमारे पास सेल ऑर्डर कर रहा है, सपोज मान लीजिए कस्टमर कोई हमारा है और वह कस्टमर क्या कर रहा है, मेरे पास परचेज ऑर्डर के लिए, हमारे लिए सेल ऑर्डर होगा, ठीक है, 10 पीस के लिए ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, या कभी 20 पीस के लिए ऑर्डर कर रहा है, या कभी 25 पीस के लिए ऑर्डर कर रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास स्टॉक की कमी हो जाती है और उसके चलते जब कस्टमर हमारा ऑर्डर करता है हमें, तो हम सेल ऑर्डर नहीं ले पाते हैं। और सेल ऑर्डर नहीं लेने का कारण मतलब क्या है, हमारा व्यापार अच्छे से चल नहीं पाता है, क्योंकि कस्टमर भी समझेगा, अरे यार जब हम इसको ऑर्डर कहते हैं ऑर्डर इतने का है, तो कहेगा माल ही नहीं पड़ा है, ठीक है, या आएगा तो कुछ टाइम के बाद भिजवाएंगे। तो होता क्या है, बड़े बड़े व्यापारी करते क्या है, बोलते हैं कि हमारे पास जो कीबोर्ड है, प्रेजेंट टाइम में कितना क्वांटिटी है, मान लो हमारे पास 100 क्वांटिटी है, कितना है, 100 क्वांटिटी, ठीक है। तो मैं यह सेट करना चाहता हूं कि जैसे 100 क्वांटिटी में मैं 75 पीस बेच दूं, कितना पीस बेच दूं, 75 पीस बेच दूं, तो जो 25 क्या हो, 25 से जैसे हमारा स्टॉक नीचे आए, ठीक है, इसकी क्वांटिटी में कमी आए, तो तुरंत हमको शॉर्ट फॉल करके बता दे कि सर आपके व्यापार में अब इतना ही स्टॉक पड़ा हुआ है और आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट इतना है, ठीक है, और इतने का शॉर्ट फॉल है। मतलब हमने बता दिया कि मेरे पास कम से कम कितना होना चाहिए, 25 पीस होना चाहिए, लेकिन जैसे अगर 25 से अगर 20 आता है तो तुरंत बता देगा आपके पास शॉर्ट फॉल कितने पीस का है, 5 पीस का है, ठीक है, मतलब 5 पीस और मंगवा कर रख लीजिए। तो ऐसे व्यापारी क्या करते हैं, री ऑर्डर लेवल का प्रयोग करते हैं। री ऑर्डर लेवल का मतलब यह है कि स्टॉक की कमी हम होने नहीं देते, जैसे हमारे पास 25 होता है फिर से और हम ऑर्डर कर देते हैं, 25 मंगवा लेते हैं, फिर से 50 हो जाता है, फिर से कम होता है फिर से और 30-25 मंगवा लेते हैं, जिससे हमारे स्टॉक में कोई कमी नहीं आती है और आसानी तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने कस्टमर से सेल कर ले जाते हैं, ऑर्डर ले लेते हैं, जिससे आगे चल के हमारा कस्टमर भी खुश रहता है, टाइम से माल भी भिजवा देते हैं और आगे चल के अकाउंटिंग को बेटर तरीके से कर पाते हैं। ऐसे कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्या, री ऑर्डर लेवल का। किसका? री ऑर्डर लेवल का। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमारे पास जो पहले से स्टॉक बना हुआ है उसी को हम लोग क्या करते हैं, अल्टर करते हैं और उसमें हम लोग सेट करते हैं रीऑर्डर लेवल, और उसके हिसाब से हम लोग एक एक करके रिपोर्ट चेक करते हैं और सेल करते हैं और देखते हैं रिपोर्ट।
चलिए ध्यान दीजिए, कंपनी और ओपन हो गया, 1116 रुपए की है, तो वही तो है, कंपनियां नमो तो ही है ना। चलिए आते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉक के बारे में चेक कर लेते हैं, हम किसी एक कम सेट करके आपको बता दे रहे हैं कैसे होगा, क्या तरीका है। आते हैं इसको करके देखते हैं, इसमें किस आइटम का किया गया है, सैमसंग 6 kg फ्रंट लोड का किया गया है, सैमसंग 6 kg टॉप लोड का किया गया है। ठीक है, पहले आते हैं डे बुक में, कुछ क्वेश्चन हमने वैसे किया था पिछले क्लास में, कुछ क्या खरीदा था जी जिस दिन तुम आए थे। वही ये लगा देखे थे उसमें मिट्टी इलेक्ट्रॉनिक्स। चलो किसी हम आइटम पर लगा देते हैं, आते हैं इसके लिए कहाँ पे, अल्टर में। ठीक है, प्ले स्टॉक हम कोई नया बना के दिखा देते सबसे अच्छा रहे, जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए शुरू से, नहीं तो समझ नहीं आए। क्रिएट पे आते हैं, स्टॉक आइटम पे आ जाते हैं। ठीक है, और इसी को हमने जो आप लोग इसी की सबसे करना। ठीक है, बस आइटम हम चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि हम पहले से बनाए हैं, ज्यादा बना दिए, कई बार काम कर चुके हैं, कीबोर्ड कर देते हैं और अंडर ग्रुप कीबोर्ड कर देते हैं, बस आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ हम डिजेस्टिव से भरना नहीं है, मतलब नहीं है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, नॉट एप्लीकेबल इन इट, नंबर्स नॉट एप्लीकेबल, सोए। और इस कीबोर्ड को हम परचेज कर ले रहे हैं, F9 ज्यादा बनेंगे, F9 सप्लायर इनवाइस नंबर, कोई नंबर दे देते हैं, पार्टी नेम कोई ले लेते हैं, पर्चे लोकल ही है, और ले देते हैं कीबोर्ड। तो सपोज कीबोर्ड हमने कितना पीस रखना है, लोकेशन किसमें, पड़ाना ले लेता हूँ और रख लेता हूँ 20 पीस। 20 पीस क्या किया हमने, खरीदा है, रेट कितना है, एक का है 30, 350 हो गया, बस इंटर और एक्सेप्ट कर दिए। अब देखिए, अब बैक आएंगे हम लोग, स्टॉक समरी में आएंगे, कहाँ आएंगे, स्टॉक समरी में, तो कीबोर्ड बता रहा है कितना पीस है। चलो इसी के लिए हम लोग रीऑर्डर लेवल सेट करेंगे। चलो बैक आते हैं, कहाँ आएंगे इसके लिए जी, अल्टर में आएंगे। तो लिखा गया ना यहाँ पे कि गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, अल्टर में आएंगे, सो मोर में आएंगे, मास्टर अल्टरनेशन करेंगे, वहीं पे ऑप्शन दिखाएगा ऐसे ऐसे सेटअप करना है। ठीक है, तो चलिए इसको आते हैं, बस जहाँ पे हम लोग कीबोर्ड लिए हम वहां पे सैमसंग तुम 6 kg फ्रंट लोड कर लेना, समझे ना, ए समझ रहा ना, हाँ, क्योंकि हम इसको एक बार पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, इसीलिए हम आपको फिर से दूसरे आइटम से बता रहे हैं। अब आ जाते हैं अल्टर में, और अल्टर में आने के बाद कहाँ जाएंगे, सोमोर में, और सोमोर में आएंगे तो देखो यहीं पे ऑप्शन दिया है री ऑर्डर करा ना, री ऑर्डर लेवल स्टॉक आइटम, बस इंटर दबा दिए, किस पे करना है, कीबोर्ड पे करना है। अब यही करा, री ऑर्डर क्वांटिटी कितना होना चाहिए, री ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, तुमने क्वांटिटी दे दिया कि अगर ध्यान देना 15 से कम ना हो, कितने से 15, इंटर बटन दबा देते हैं। यहाँ पे पीरियड डेट मतलब डे भी पूछा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे डे भी दे सकते हैं, मान लो अगर मान लो 4 कर दिया तो यहाँ पे बता रहा है कि इसमें करना है 4 मंथ के अंदर, 2 डेज के अंदर, 3 वीक के अंदर, कितने अंदर, 4 डेज के अंदर हमको मंगवा लेना, समझे ना, लोअर या हायर है, लोअर या हायर है। ठीक है, तो हायर मतलब बहुत ही जरूरी है इसका, ऐसा नहीं है कोई बात नहीं मंगवाएंगे या नहीं मंगवाएंगे, ठीक है, तो हम हायर कर देते हैं। ठीक है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितना दे देते हैं, 20 कर देते हैं, मतलब इससे कम नहीं। जी। उसके बाद आ जाते हैं इसका कर एडवांस पैरामीटर, मिनिमम मिनिमम ऑर्डर, तभी हम कोई क्राइटेरिया सेट नहीं करते, कर देते हैं इसको एक्सेप्ट। अब देखो बैक आते हैं, बैक आने के बाद से क्या करेंगे, वाउचर में आ जाएंगे, बोलिए, और वाउचर में क्या दबा देंगे, या फीड बटन दबाएंगे, हम सेल करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे जिसको सेल करना है उसको हम सेल कर देंगे यहाँ पे,
इधर री ऑर्डर के लिए सेल भी दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो सेल्स ऑर्डर से रिलेटेड, चलो सेल ऑर्डर के लिए हम लोग अभी देखेंगे। पहले पहले हम आपको क्वेश्चन करके दिखा दे रहे हैं कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्या स्टेटस है क्या नहीं है। आ जाते हम सेल करते हैं पहले, अब उसके बाद ऑर्डर लेंगे तो देखो क्या होगा। मैंने 023 कर दिया, पार्टी नेम क्या कर लिया, हैती इलेक्ट्रॉनिक, और इंटर बटन दबा दिया। या पहले हम लोग ऑर्डर ले लेते हैं, सेल कर लो, कुछ क्वांटिटी हम कम करते हैं बस आपको दिखाने के लिए। कीबोर्ड ले लेंगे, नॉट अप्लीकेबल कर देते हैं, और ले लेते हैं क्या पड़ोना, कितना पीस, 10 पीस। रेट कितना है, 400, 400 बेचेंगे ना बस, एक्सेप्ट। क्लियर है। अब देखो बैक आते हैं, बैक आएंगे क्या करेंगे, अल्ट के साथ जी, और लिखेंगे री ऑर्डर, री ऑर्डर, और री ऑर्डर स्टेटस ग्रुप वाइज कीबोर्ड। देखो बता रहा है, क्या बता रहा है, शॉर्ट फॉल कितना है आपको, तो ये क्या मतलब बता रहा है, क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ, 10, ठीक है। नेट अवेलेबल कितना है, 10, और हमने ऑर्डर बताया था कितना, 15, तक फॉल्ट कितना का है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 20 तक होनी चाहिए बस। हाँ 5 पीस और मंगवाना पड़ेगा, इतनी की कमी आ रही है तुम्हारा ना, बोलो। तो ये पॉइंट से आप आसानी तरीके से इसको देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। री ऑर्डर ओनली देख लेंगे तो केवल री ऑर्डर ओनली हमारा सवाल कर दिया है, यहाँ से दिखा रहा है, ठीक है। तो आप लोग आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, हो जाएगा ना बाबू, सिंपल है। अब देखिए मान लो यहाँ पे आते हैं और ऑर्डर ले लिया हमने, क्या कर लिया, अब ऑर्डर ले लिया, तब देखो क्या होगा, वाउचर में आ जाएंगे और सेल ऑर्डर करना है तो आ जाएंगे अदर वाउचर में, और इस बार हमने क्या कर दिया, सेल ऑर्डर ले लिया, और ऑर्डर ले लिया, ठीक है। कितने, किससे ले लिया, मेहनत से, ऑर्डर नंबर 300003 कर देता हूँ, ठीक है, सेल्स अकाउंट कर लेता हूँ। और कीबोर्ड के लिए कितना, कीबोर्ड के लिए कितना हमने बोल दिया, ऑर्डर ले लिया 5, कितना ले लिया, 5 का, इतना आ गया। इंटर और एक्सेप्ट, अब देखो क्या होगा, एक्सेप्ट करिए, बैक आइए, अल्ट जी, ठीक है, री ऑर्डर क्लिक कीबोर्ड, देखिए अब कितना बता रहा है, शॉर्टफॉल कितने का है, क्यों है, क्यों 10 को पीस बचा हुआ है, और सेल ऑर्डर हम पहले से ले चुके हैं, ड्यू में है, कितने का, 5 पीस का, तो बचेगा कितना, 5 ही पीस बचेगा, लेकिन कितना होना चाहिए कम से कम, 15, इसलिए कितना है फॉल्ट बता रहा है, 10 का। क्लियर है, ऐसे आप चेक कर सकते हैं, बोलो। चलो अब बैक आते हैं, अब बैक आने बाद से क्या करते हैं, वाउचर पे आते हैं और परचेज कर लेते हैं, इस बार क्या दबाएंगे, F9, क्या दबाएंगे, F9, सप्लायर इनवॉइस नंबर, क्या है, सप्लायर इनवॉइस नंबर, सप्लायर का इनवॉइस नंबर यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद से किससे, चलो जिससे खरीदना खरीद लिया हमने, नाम ले लिया, परचेज अकाउंट ले लिया, नेम कीबोर्ड कर दिया, और कितना खरीद लिया, इसी लोकेशन में हमने खरीद लिया 20 पीस, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इंटर एक्सेप्ट, अल्ट जी, यहां भी दबा सकते हैं, री ऑर्डर, अब देखो कीबोर्ड, अब नहीं बता रहा, एक भी नहीं बता रहा, क्यों नहीं बता रहा है, कि कोई फॉल्ट है ये नहीं, हाँ मतलब जितना मुझे मिनिमम रिक्वायरमेंट उतना है, जब है तो यहाँ रिपोर्ट क्यों दिखाएगा। अब देखो मेरे पास कितना है, 10 था 20 और खरीद लिए, अब हम देखो सेल करते हैं, कितने है? सेल करते हैं, या फिर बटन दबा, अब देखो बताएगा किसको, हैतिक, अब देखा ना, नेम ऑफ आइटम कीबोर्ड, 30 पीस है मेरे पास, ठीक है।
और कितना हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया 25 पीस मान लो। अब देखो बताएगा कितना का दिखाएगा, 10। ऑल्ट जी क्या दबाएंगे, री ऑर्डर, री ऑर्डर कीबोर्ड। अच्छा ये ऑर्डर क्वांटिटी मिनिमम इतना हो गया है, 35 हो गया है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या बता रहा है, गलत बता रहा है, जिसको हम क्या करना पड़ेगा, खत्म हो गया था ना इसका, इसीलिए स्टॉक में ऐसा नहीं दिखा रहा है। कहाँ जाएंगे, अल्टर में आ जाएंगे, सुम मोर में आ जाएंगे, और फिर से यहाँ पे रीऑर्डर स्टॉक जी कीबोर्ड ग्रुप वाइज सेट करो। सबसे अच्छा ग्रुप वाइज रिपोर्ट देख रहे हैं, तो क्या कर ले हम, स्टॉक ग्रुप कीबोर्ड कितना है, 15। मिनिमम क्वांटिटी 20 होता ना, और कर दिए 40। बैकअप अल्ट जी री ऑर्डर ग्रुप क्लोजिंग है 5, ऑर्डर डी वही इतना। फॉल्ट कितना बता रहा है, शॉर्ट दोबारा ऑर्डर क्लोज। अच्छा हमने ऑर्डर किया ना, परचेज ऑर्डर भी, हमने सेल ऑर्डर भी किया, लिया कितने का किया है ऑर्डर, इसीलिए दिखा रहा ज्यादा, सेल ऑर्डर, सेल ऑर्डर 5 का लिया, 5 पीस का, यह हो गया है।